IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आप देख रहे हैं देश दिनभर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमारी नैथानी। देश दिनभर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार हैं। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, पटना से अरुण सिंह, अहमदाबाद से जनक दवे, लखनऊ से शालामणि त्रिपाठी, मुंबई से विवेक गुप्ता और चंडीगढ़ से अमित चौधरी। लेकिन सबसे पहले दिल्ली और NCR की खबरों को जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे ब्रजेश तिवारी का। राजधानी दिल्ली में देर रात की सड़कों पर एक बार फिर हैवानियत का साया दिखाई दिया। अफ्रीकी मूल की एक महिला को चार युवकों ने अपहरण किया, उसके बाद गाड़ी में उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद आरोपियों ने इस महिला को DND फ्लाईओवर पर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। मयूर विहार थाने में खड़ी ये वही कार है जिसमें गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात के बाद अफ्रीकी मूल की लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। अफ्रीकी महिला का आरोप है कि गुरुवार की रात वो किसी काम से साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल गई थी। मॉल के बाहर से चार लोगों ने उसे जबरन कार में बिठा लिया और इधर उधर घुमाते रहे। महिला के मुताबिक कार सवार चारों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया और रात करीब 2:45 बजे उसे मयूर विहार के पास DND लिंक रोड पर कार से बाहर फेंक दिया। राजधानी दिल्ली के DND फ्लाईओवर पर रात में 2:45 पर एक विदेशी मूल की महिला टोल प्लाजा के कुछ दूरी पहले सड़क पर बदहवास पड़ी थी। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई, उसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की। महिला ने बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने DND टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे की मदद से चारों युवकों को आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप की इस घटना ने राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोल दी है। राजधानी दिल्ली में पार्किंग एक झगड़े की वजह बनती जा रही है, लेकिन आज ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़े के दौरान गोलियां तक चल गई। मामला अग्रेटर कैलाश के पॉश इलाके का है। दिल्ली के जमरूदपुर का ये इलाका दिन दहाड़े गोलियों की आवाजों से दहल उठा। लोग किसी बड़ी वारदात की आशंका से घबरा उठे, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि गोलियां पार्किंग के झगड़े में चली थी। इस वारदात में 5 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि ATM कैश वैन गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड थे। फायरिंग हुई, आवाज हमें फायरिंग की सुनाई दी तो सभी भागे हैं बाहर। अच्छा, उसके बाद पता चला कि कोई फायरिंग दो उनमें हुई है। अच्छा, कितने गोली की आवाज सुने आपने? आवाज तो हम एक ही गोली की सुने। आरोप है कि कैश वैन जमरूदपुर के मेन रोड पर बैंक के ATM के सामने तिरछी खड़ी की गई थी, इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि ATM में पैसा डालने आए लोगों, वैन के कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड ने ATM के सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से नाराज सिक्योरिटी गार्ड सुरेंद्र और सत्यप्रकाश ने अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की वजह से मौके पर मौजूद 5 लोगों को गोलियों के छर्रे लग गए। सभी को एम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल सरकार लगातार एक्शन में है। चुनावी मैनिफेस्टो में सस्ती बिजली और पानी दिए जाने के वादे को पूरा करने के लिए सरकार तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्द इसकी घोषणा कर सकते हैं। जिन वादों पर सवार होकर दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी, उन वादों को अमली जामा पहनाने का वक्त शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी की सरकार को 7 दिन हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रियायती बिजली पानी के मुद्दे पर जल्द खुशखबरी देने की बात कही। बिजली पानी को लेके हमने काफी ब्लूप्रिंट तैयार किया है हमारी टीम ने, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिजली और पानी के रेट कम करने के लिए आपको मैं खुशखबरी दूंगा। CM केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं कि जनता उनके घोषणा पत्र के वादों को जमीन पर उतरता देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिजली पानी के अलावा फ्री वाईफाई पर भी जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। किसी ने कहा वाईफाई, तो वाईफाई के ऊपर भी काम शुरू हो गया, लेकिन वाईफाई में थोड़ा टाइम लगेगा। दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल जनता से किए वादों को निभाने की योजना बना रहे हैं, तो कौशाम्बी में वो जनता दरबार के जरिए सुबह लोगों से मुलाकात भी करते दिखे। गुजरात की खबरों के लिए चलते हैं जनक दवे के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शूट की आज नीलामी हो गई। बंद गले के इस सूट को सूरत के हितेश पटेल नाम के शख्स ने 4,31,00,000 में खरीद लिया। दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाला PM मोदी का सूट आखिरकार आज नीलाम हो गया। इसे हासिल करने में हितेश पटेल ने काफी जोर लगाया।
और आखिर में कामयाबी भी उन्हीं के हाथ लगी। हालांकि सूट की आखिरी बोली 5 करोड़ रुपए तक जमा होती थी, लेकिन ये बोली नीलामी का वक्त खत्म होने के बाद लगी, इसलिए ये सूट 4 करोड़ 31 लाख में हितेश पटेल को मिल गया। हितेश धर्मानंदन डायमंड नाम की कंपनी चलाते हैं। 3 दिनों तक हुए इस ऑक्शन में पीएम मोदी को मिले 400 से ज्यादा तोहफे की नीलामी की गई। इस नीलामी से मिले पैसे को गंगा की सफाई में खर्च किया जाएगा। हमने नरेंद्र भाई मोदी ने जो सूट पहना हुआ था, इसकी बोली हमने 4 करोड़ 31 लाख 31,101 हुआ है। कलेक्टर साहब ने हमको लिख के दे दिया है, इसने इसको अंदर साइन कर दिया है, कलेक्टर साहब एग्री है, हमने इसके सामने से डिक्लेयर कर दिया है। राजस्थान के जयपुर में आज एक शाही शादी हो रही है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल पाकिस्तान के अमरकोट रियासत के राजवीर करण सिंह की शादी नाकोटा राज परिवार की बेटी पद्मिनी से हो रही है। जयपुर में स्पेशल शाही शादी की वजह से काफी रौनक है। सालों बाद पाकिस्तान से यहां बारात आई है। अभी इस शाही शादी की रस्में जारी है। इस शादी में देश विदेश से कई खास मेहमान पहुंचे हैं, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग हों या फिर राजघराने से। पद्मिनी के ससुर हमीर सिंह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं और वहां हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं। इससे पहले गुरुवार को जब ये बारात कानोता पहुंची थी तो पूरे गांव ने इसका जोरदार स्वागत किया था। तो लोग इंडिया से पाकिस्तान पधारे हैं भले एक हफ्ते के लिए, उन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के गुण ही गाए। ठीक, मैं उन पाकिस्तानी मुसलमानों को भी जानता हूं जो एक बार इंडिया आए हैं और सारी जिंदगी इंडिया के गुण गाए, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बिहार की खबरों के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह के पास। बिहार में कई दिनों से चल रहा सियासी संकट खत्म हो गया है। नीतीश कुमार 22 फरवरी को शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके पहले जीतन राम मांझी ने विश्वास मत पेश करने से पहले ही राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के अभिभाषण के बाद मांझी को बहुमत साबित करना था, लेकिन संख्या बल नहीं होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद मांझी ने कई आरोप लगाए। मांझी ने कहा कि उनके समर्थक विधायकों को जान से मारने की धमकियां दी गई। उनके विधायकों के घरों पर अज्ञात लोग निगरानी कर रहे थे। 2-2 करोड़ रुपया तक के और सीट भी जहाँ से चाहेंगे वहाँ से सीट देंगे और मंत्री बना लेंगे, इस प्रकार का लोग दे करके उन लोगों को एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग किया गया। हम समझे इन सब बातों से उबरने का एक ही उपाय है कि हम इस्तीफा दे दें बहुमत रहते भर में भी, और यही हमने किया है। अब महामहिम राज्यपाल के ऊपर निर्भर है आगे का क्या करते हैं। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि जीतन राम मांझी बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन विश्वास मत पेश करने से ऐन पहले इस्तीफे से बीजेपी बेनकाब हो गई। मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने अपने घर पर जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में विधायकों को बताया गया कि राज्य में नई सरकार बनाने के लिए अब राज्यपाल के नियोते का इंतजार है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि बीजेपी के गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया है। नीतीश ने कहा कि हमारे दल में एकता बनी रही, जब तोड़फोड़ नहीं हो पाई तो मांझी ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने एक बार फिर दोहराया कि सीएम के पद से इस्तीफा देना उनकी भूल थी। उन्होंने बिहार की जनता से माफी भी मांगी। मैं फिर सार्वजनिक तौर पर अपने किए की गलती स्वीकार करता हूं और पूरे बिहार वासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई मुझसे गलती हुई, माफ कर दीजिए, अब हम फिर कभी इस तरह के भावना में आकर कोई काम नहीं करेंगे। अब महाराष्ट्र की खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी विवेक के पास। महाराष्ट्र के सीपीआई के वरिष्ठ नेता गोविंद पंचरे और उनकी पत्नी के हमलावरों को पुलिस अब तक भी खोज नहीं पाई है। इस मामले में पुलिस ने आज गोविंद पंचरे की पत्नी उमा पंचरे का बयान दर्ज किया। महाराष्ट्र में सीपीआई नेता गोविंद पंचरे पर हमले के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका है। पुलिस ने पंचरे की पत्नी का बयान दर्ज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पंचरे और उनकी पत्नी पर हमले से पहले भी सुबह उन्हें धमकी भरा फोन आया था, जिसकी वजह से वो परेशान थे। पंचरे की पत्नी ने बताया है कि उनके पति गोविंद पंचरे को पहले से ही धमकियां दी जा रही थी। घटना के दिन पंचरे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने उनको रोका था।
उसके बाद उन पर गोली चला दी गई थी। पुलिस की टीमें जांच के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा भी पहुंची हैं। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंसारे को मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए आ सकते हैं। आज इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छगन भुजबल के बेटे और भतीजे से लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के एनसीपी नेता छगन भुजबल को एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश होना पड़ सकता है। छगन भुजबल के बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल से आज एसीबी ने करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। समीर भुजबल को पूछताछ के लिए फिर बुलाया जा सकता है। भुजबल पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए परिवार के सदस्यों के नाम से कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का आरोप है। छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र सदन के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं अपने संवाददाता सलमानी त्रिपाठी के पास। शुक्रिया विवेक। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर से, जहां सेना की वर्दी का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। यहां एक प्राइवेट एजेंसी शादी समारोहों को यादगार बनाने के लिए सेना की वर्दी में नकली जवानों को सुरक्षा के लिए भेजती है। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। आजकल शाहजहांपुर की शादियों में भी कुछ अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। दुल्हन की सुरक्षा में ये लगे जवान असली नहीं बल्कि नकली हैं। इनके पास जो हथियार हैं वो भी नकली हैं। दरअसल ये लोग एक एजेंसी के जरिए भाड़े पर बुलाए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा में तैनात ये लोग सेना की जो वर्दी पहने हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में चिंता इस बात की है कि इस तरह वर्दी पहनकर कोई भी पुलिस को चकमा दे सकता है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात कह रही है। मैं इसकी छानबीन कराऊंगा। अभी एक इसके लिए एक अधिनियम भी है पहले से कि कोई भी व्यक्ति या जनता का व्यक्ति या सुरक्षा गार्ड या बैंक का गार्ड, आर्मी पैटर्न अथवा पुलिस पैटर्न की कोई वर्दी धारण नहीं करेगा। सरकार भले ही नशा मुक्ति को लेकर अभियान छेड़े हुए है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दावों और हकीकत में काफी अंतर है। आरटीआई के तहत मांगी गई एक जानकारी में इस बात का खुलासा हुआ। मेरठ के रहने वाले डॉक्टर संजीव अग्रवाल को मिली जानकारी ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल उन्होंने पिछले साल नवंबर में राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए नशे के कारोबार और उसके खिलाफ किए जा रहे नशा उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसमें ये बात सामने आई है कि नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ड्रग एब्यूज के तहत साल 2009 से 2014 के बीच फंड को एक तिहाई तक घटा दिया गया है। आरटीआई में पहला जवाब बड़ा चौंकाने वाला मिला मुझे। गृह मंत्रालय लिखता है क्योंकि इससे ना तो कोई भ्रष्टाचार हो रहा, ना ही कोई आतंकवादी घटना घटित हो रही, ना ही कोई इससे सामाजिक व मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। यही नहीं, आरटीआई के जरिए सामने आया कि सरकार ने ड्रग कारोबार से होने वाले राजस्व को भी छुपाया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी की शादी 26 फरवरी को दिल्ली में होनी है। इससे पहले 21 फरवरी को सैफई में तिलक समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश की नामी गिरामी हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है। मुलायम के पोते और लालू की बेटी की शादी के लिए तैयारियां जोरों पर है। 21 फरवरी को मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में देश के राज तिलक का आयोजन किया गया है। तिलक कार्यक्रम के लिए सैफई को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ देश भर की कई नामचीन हस्तियों को न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी सैफई पहुंच चुकी है। तिलक उत्सव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। करीब 4000 पुलिस वाले कार्यक्रम के दौरान तैनात रहेंगे। कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा मेहमानों के आने की बात कही जा रही है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आज हरियाणा के पलवल में इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इस मौके पर उन्होंने एक पद यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अन्ना ने पलवल में सबसे पहले गांधी आश्रम जाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो पलवल में हुड्डा मैदान में लोगों के बीच पहुंचे। इसमें देश भर से करीब 2000 लोग शामिल हुए। अन्ना के साथ मंच पर जल पुरुष राजेंद्र सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटेकर समेत कई समाज सेवी शामिल हुए। इस मौके पर अन्ना हजारे ने आरोप लगाया है कि सरकार उपजाऊ जमीन उद्योगपतियों को दे रही है। आप लोगों के तरफ देखकर और आज जो देश में वातावरण बन रहा है,
इसको देखकर मुझे विश्वास हो रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब। अन्ना हजारे 24 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन करेंगे।